dear students, welcome in Ali GS classes. Today I am going to deliver a lecture on Ghayasuddin Balban. आप लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि किस तरह से गयासुद्दीन बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को अपने रास्ते से हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आज हम बलबन के बारे में आपको बताएंगे कि बलबन कैसा किंग हुआ और उसने अपने जमाने में कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम किए। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ड्यूरेशन है 1266 टू 1286, 20 ईयर्स। बलबन ने 20 साल तक दिल्ली सल्तनत में हुकूमत किया। आइए पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बलबन कौन था। कहा जाता है कि बलबन तुर्किस्तान में पैदा हुआ। जब वो छोटा था तो उसे मंगोलों ने किडनैप कर लिया और उसे बगदाद ले गए और वहां पे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों बेच दिया। बसरी ने बलबन की परवरिश की और जब बलबन बड़ा हुआ तो वो उसे 1233 में हिंदुस्तान लेकर आ गया। उस वक्त यहां के किंग शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे और जमालुद्दीन बसरी ने बलबन को इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। बलबन बहुत ही बहादुर और ब्रिलियंट किस्म का इंसान था। ये देखकर इल्तुतमिश ने जब तुर्काने चहार चिहाल गानी फाउंड किया, बनाया, तो उसने बलबन को चिहाल गानी का एक मेंबर बना दिया और धीरे धीरे बलबन ने अपनी पोजीशन मजबूत करते करते इतना पावरफुल बन गया कि उसने 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बलबन कहा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी में बलबन बहुत ही पावरफुल किंग हुआ। बलबन जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने कुछ बिल्कुल नए किस्म का काम किया। सबसे पहले उसने खुद को जिल्ले इलाही बताया। उसने कहा कि खुदा और पैगंबर के बाद इस दुनिया में कोई है तो वो सुल्तान है और चूंकि मैं सुल्तान हूं इस वजह से मैं जिल्ले इलाही हूं। जिल्ले इलाही मीन्स शैडो ऑफ गॉड। दुनिया के जितने भी कानून हैं वो मेरे ऊपर लागू नहीं होते हैं।
वो कानून रियाया और पब्लिक के लिए है, मैं सारे कानून से ऊपर हूं। तो उसने जिल्ले इलाही का टर्म शुरू किया। इसके बाद उसने अपने दरबार में एक नया ट्रेडिशन शुरू किया जिसे सजदा और पैबोस के नाम से जाना जाता है। उसने कहा कि जो भी मेरे दरबार में आएगा वो मुझे इस तरह से झुककर सलाम करेगा जैसे लगेगा कि वो बादशाह के पैरों को चूम रहा है। उसने ये तो बहुत ही हैरतअंगेज ट्रेडिशन को शुरू किया। उसके बाद उसने ये सोचा कि जो तुर्काने चिहालगानी है, जो 40 पावरफुल लोगों का एक ग्रुप है, वो बिला जरूरत मशवरा देकर मेरे कामों में दखल अंदाजी करते हैं, तो उसने उस ग्रुप को भी तोड़ दिया, यानी तुर्काने चिहाल गानी को भी खत्म कर दिया ताकि मैं अपने मन मुआफिक हुकूमत चला सकूं। अब आइए दो तीन पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे देखेंगे कि बलबन ने क्या किया। पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट पॉइंट, हिज फुल नेम वाज बहाउद्दीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड द टर्म जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मीन्स शैडो ऑफ गॉड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सजदा एंड पैबोस। उसने सजदा एंड पैबोस की प्रथा शुरू की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही ब्रोक द तुर्काने चिहाल गानी। उसने चिहाल गानी को भी तोड़ दिया जो बहुत ही मजबूत ग्रुप था। अब उसके बाद उसने यहां पे ईरान के स्टाइल पे, ईरान में एक फेस्टिवल मनाया जाता था जिसका नाम था नौरोज, उसने उस फेस्टिवल को हिंदुस्तान में भी शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही स्टार्टेड द फेस्टिवल नौरोज। ही स्टार्टेड द फेस्टिवल नौरोज। गयासुद्दीन बलबन बहुत ही पावरफुल किंग था, बहुत ही सख्त किंग था। इस वजह से उसके जमाने में रिवोल्ट भी बहुत ही ज्यादा हुए और उसने
तमाम दी वर्ल्ड को कुचल दिया। कहा जाता है कि उसके जमाने में उसका एक बहुत ही फेथफुल गवर्नर जो बंगाल में था, उसका नाम है तुगरिल खान। यानी उसके जमाने में तुगरिल खान ने बलबन के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। बलबन ने अपने एक आदमी अमीर खान को बहुत सारे सोल्जर्स के साथ भेजा कि तुम बंगाल से तुगरिल खान को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे सामने ले आओ। अमीर खान जब अपनी फौज लेकर बंगाल पहुंचा तो उसकी हार हो गई और उसके साथ जितने भी सोल्जर्स थे वो सब तुगरिल खान से मिल गए और ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर दिल्ली आया और बलबन के सामने हाजिर हुआ और कहा कि आपने जितने भी सोल्जर्स मुझे दिए थे वो सब जाकर तुगरिल खान से मिल गए, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां पर आया हूं। इस पर बलबन ने जवाब दिया कि तुम क्यों नहीं तुगरिल खान से मिल गए, क्या तुम ये सोचकर आए थे कि बलबन तुम्हें वाहवाही देगा, शाबाशी देगा, तुम क्यों नहीं तुगरिल खान से मिल गए। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया। उसके बाद बलबन ने अपने बड़े बेटे महमूद को कहा कि तुम दिल्ली की गद्दी संभालो, मैं तुम्हारे छोटे भाई बुगरा खान को लेकर बंगाल जा रहा हूं क्योंकि तुगरिल खान ने रिवोल्ट कर दिया है, उससे जरा निपटाऊं। वो अपने छोटे बेटे बुगरा खान को लेकर बहुत सारे सोल्जर्स के साथ बंगाल चला गया। जब वहां के गवर्नर तुगरिल खान को ये पता चला कि अब मुझसे बदला लेने खुद बलबन आ रहा है तो वो बहुत ही डर गया और अपना महल छोड़कर जंगल में जाकर छुप गया। लेकिन वो बलबन की निगाह से कहां बचने वाला था। बलबन ने उसे ढूंढकर पकड़ लिया और कहते हैं कि जितने भी सोल्जर्स जो तुगरिल खान से मिल गए थे सबको गिरफ्तार करवाया और कहा जाता है कि बंगाल में एक जगह है लखनऊती, वहां पे बिल्कुल मेन रोड पे सड़क के दोनों किनारे 2-3 किलोमीटर दूर तक उसने फांसी के फंदे लटकाए और सब जितने भी सोल्जर्स जो जाकर तुगरिल खान से मिल गए थे सबको एक साथ ही उसने फांसी पर लटका दिया। कुछ हिस्टोरियन ने यह भी लिखा है कि उसने सड़क के दोनों किनारे 2-3 किलोमीटर दूर तक तख्ते खड़े किए और सबको उसी तख्ते में कील के जरिए ठुकवा दिया। जब लोगों ने यह मंजर देखा तो लोगों की रूह कांप उठी, इतना सख्त और जालिम बादशाह। फिर उसके बाद उसने अपने बेटे बुगरा खान को कहा कि आज से ये बंगाल तुम्हारा हुआ, तुम यहां के गवर्नर हुए, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने भी तुगरिल खान की तरह रिवोल्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा जो तुगरिल खान का हुआ, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद बुगरा खान इतना डर गया कि बलबन जब भी उसे दिल्ली बुलाता तो वह बड़ा डरा सहमा हुआ आता था कि ना जाने बलबन ने उसे क्यों दिल्ली बुलाया है।
इस तरह से बलबन की हुकूमत चलती रही। मंगोलों का अटैक तो हिंदुस्तान पे शुरू हो गया था। कहा जाता है कि 1286 में मंगोलों का एक बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ और उस अटैक में उसका बड़ा बेटा मुहम्मद, जिसको वो अपनी हुकूमत का वारिस समझता था, वो मारा गया, जिसका सख्त सदमा बलबन को हुआ और कुछ ही दिनों के बाद बलबन का इंतकाल हो गया। यानी 1286 में ही अपने बेटे महमूद के गम में बलबन का इंतकाल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, He died in 1286 and buried at Mehrauli, buried at Mehrauli in Delhi. इस तरह से आपने देखा कि बलबन ने अपनी हुकूमत कैसे चलाया। कहा जाता है कि बलबन इतना सख्त था कि उसके दरबार में ना कोई उससे हंसी मजाक कर सकता था और ना बलबन ही किसी के साथ हंसी मजाक किया करता था। ना तो वो दरबार में हंसता था, ना किसी को हंसने का मौका देता था। बलबन ने अपनी हुकूमत बहुत ही पावरफुल और मजबूत तरीके से चलाया। उसके मरने के बाद उसका ग्रैंडसन यानी बुगरा खान का बेटा कैकुबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन 4 साल के बाद ही कैकुबाद की मौत हो गई। वो ऐसे किसी बीमारी में मुब्तला हुआ और वो इस दुनिया से चल बसा। और उधर बंगाल का गवर्नर बुगरा खान की भी मौत हो गई और इसके बाद अब ये प्रॉब्लम खड़ी हुई कि अब स्लेव डायनेस्टी को कौन संभालेगा, क्योंकि वारिस की शक्ल में कोई भी होशियार शख्स नहीं था। सिर्फ एक कैकुबाद का बेटा, जिसकी एज उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी, उसका नाम कयूमार था। मैंने टाइमलाइन के जरिए आपको हर चीज समझा दिया है और पूरे स्लेव डायनेस्टी में किसका ड्यूरेशन किया क्या था सबको टाइमलाइन के जरिए बता दिया है। इस वजह से हम यहाँ पे इसके बारे में कोई डिटेल से गुफ्तगू अब नहीं करेंगे और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो कैकु के बाप के मरने के बाद उस वक्त के और पावरफुल लोगों ने ये सोचा कि अब क्या किया जाए। असल में दिल्ली की गद्दी का वारिस तो ये 3 साल का कयूमार ही है। यही सोचकर लोगों ने कयूमार को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया और खुद साइड से काम करने लगे। हुकूमत का जो सारा काम देखता था वो था जलालुद्दीन फिरोज, यानी उस वक्त वही
हुकूमत में सबसे पावरफुल था। उसने सोचा कि सारा काम तो मैं करता हूं और इसका क्रेडिट यह 3 साल का बच्चा कयूम मार ले जाता है। यही सोचकर उसने यह साजिश रची कि मैं दिल्ली का किंग कब बनूंगा, क्योंकि उस वक्त उसकी एज भी 70 साल की हो चुकी थी और वो बच्चा अभी 3 साल का ही था। ना जाने वो बच्चा कब बड़ा होगा, कब तक दिल्ली पे हुकूमत करेगा, और फिर मैं तो यूं ही रह जाऊंगा। यही सोचकर उसने कुछ ही दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद ही उस बच्चे का कत्ल करा दिया, और कत्ल कराने के बाद ये कहा कि आज से स्लेव डायनेस्टी का खात्मा हुआ, आज से एक नई डायनेस्टी की बुनियाद रखी जा रही है और उसका नाम खिलजी और खलजी डायनेस्टी होगा, और उसने एक तरह से स्लेव डायनेस्टी का खात्मा कर दिया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद 1290 में डाली। इस तरह से आप लोगों ने स्लेव डायनेस्टी में देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग हुए। जितने भी इंपॉर्टेंट किंग थे उसके बारे में हमने सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दिए जो टेस्ट और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब हम अगली क्लास में खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि खिलजी डायनेस्टी ने दिल्ली की हुकूमत को किस तरह से चलाया। आज यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। आप इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।